अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। हमारी समस्या यह है कि ग्राम प्रधान हमारे हम कोई भी कागज या कागजी कार्रवाई करते हैं या लिखित पढ़ित देते हैं, वहाँ सचिव जो है वहाँ का वो हमारा कागज अपने कमरे से उठा के हमें भगा देता है। और प्रधान के पास जब हम जाते हैं उससे कुछ भी कहते हैं, कहते हैं मैं अपने कार्यकाल में आपको मैं कुछ नहीं दूंगा, ना आपके पास देने के लिए मेरे पास कुछ है, आपको जो भी करना हो वो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम इतनी दूर 100 किलोमीटर की दूरी से आवास के लिए आए। क्या क्या मांगे हैं? आवास मांगते हैं, लैट्रिन मांगते हैं, अब ना ये सौर ऊर्जा है ना किसी का, एक एक आदमी दे दे रहा है, दूध दे दे रहा है, न पानी की व्यवस्था है कोई। हमसे न छावत बना न छापत भाई, हमका विकास कुछ नहीं मिलता है, हमें प्रधान नहीं देता है, जब पढ़े लिखे वहाँ अपन बनाओ हमारा नहीं बनावता है, हमारे चार थे लड़का गरियाल हम कैसा पाले। कौन सा विकास नहीं मिल रहा? हमका न कॉलोनी मिल रहा न हमका कुछ विकास नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हैं प्रधान? प्रधान कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ आदमी है, तुमको विकास नहीं मिलेगा, वोट नहीं दिया खिलाफ। मैं कहता हूँ कि ये गरीब जनता है, अपना किराया लगा करके यहाँ तक आई है बड़ी उम्मीदों के साथ, तो अधिकारी जल्द से जल्द इनकी बात को अमल में लाएं और कार्रवाई करके इनकी समस्या का निदान कराएं। जैसे कि आवास की मांग कर रहे हैं तो जो पात्र व्यक्ति हों इनको जो है आवास दिलाया जाए। हमारे मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग अनशन में बैठेंगे, अनशन के साथ साथ हम लोग और आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे, कोर्ट का दरवाजे भी खटखटा सकते हैं। नहीं, हमारी जांच हो और जांच होने के उपरांत यदि हम लोगों को अगर त्रुटियां पाई जाए तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, नहीं उन व्यक्तियों को उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। जो लोग अनुराग पांडे एक हमारे यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के नाम पर तैनात हैं, उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर जाता है इस नाम लेकर के कि मैं फला गांव का हूँ और फला समाज से हूँ, वो पहले पूछता है कि किस समाज से आया, तो बताता है कि मैं से हूँ, तो वो कहता है तुम्हारे नाम नहीं चढ़ाए जाएंगे, जाओ जहाँ जाना हो, वो कमरे से हटा देता है, धक्के मार तक के हटाता है और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करता है। दिया है, इसकी विधिवत जांच होगी जिला स्तर से, उच्चाधिकारी इसमें नियुक्त किए जाएंगे, ब्लॉक के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, आपकी निष्पक्ष जांच होगी, जो पात्र होंगे उन्हें लाभ मिलेगा, ठीक, इसमें कोई जो है वो नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, जांच कायदे से कराएंगे।